नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हां, आपको बदला दी। आपको जैसे मालूम है कि साजिद खान पर इस समय मुसीबत का भंडार बना हुआ है। हर तरफ से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है साजिद खान को। वहीं उम्मीद की किरण लेकर साजिद खान के लिए एक नई रोशनी आई है। जी आपको बता दें, बिग बॉस 16 में साजिद खान का वाइस ने किया तगड़ा बचाव। फिल्म मेकर के सपोर्ट में बहुत ही बड़ी बात कह दी, जिसके कारण अब साजिद खान को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर साजिद खान को बिग बॉस 16 से निकालने की मांग चल रही थी। देवोली नंबर 4 से लेकर उर्फी जावेद तक सभी ने चैनल और शो के मेकर्स पर उंगली उठाई कि आखिर बिग बॉस या बिग बॉस के मेकर्स क्यों साजिद खान को समर्थन दे रहे हैं और उन्हें शो पर लेकर आए हैं, और मीटू के आरोपों को बिग बॉस से बाहर करने की मांग की है। अब उनके सपोर्ट में वाइस ने खुलकर सामने आए हैं। जी हां, आपको यह भी बता दें, फिल्म मेकर साजिद खान के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी, उनको बिग बॉस 16 से बाहर करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि देवोली नंबर 4 शालिनी चोपड़ा उर्फी जावेद, मंदाना करीमी, सिंगर सोना महापात्रा, नेहा भसीन ने उनके शो का हिस्सा बनने पर चैनल पर सवाल उठाया। साथ ही दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को लेटर भी लिख दिया कि साजिद खान को शो से क्यों नहीं हटा रहे। अब आप ही बताइए दोस्तों, जिन पर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, उनको कलर्स चैनल में बिग बॉस के मेकर्स आखिर साजिद खान का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन कर रहा है पीछे से साजिद खान को इतना बड़ा सपोर्ट? कौन है उनके पीछे बैकअप में? या तो बाद में पता चलेगा। इन सब के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीन एम्प्लॉइज यानी वाइस डायरेक्टर के सपोर्ट में उतर आया है। उसने तर्क के साथ अनुराग ठाकुर को खत भी लिखा है। जी हां, साजिद खान पर लगा था 1 साल का बैन। वाइस ने लेटर दिल्ली महिला आयोग के जवाब में भेजा है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने साजिद खान को इस शो से हटवाने की मांग करी थी। फेडरेशन ने यह भी लिखा है कि इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर एसोसिएशन को साजिद के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसके बाद उनकी तरफ से 1 साल का बैन लगा दिया गया था। पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच पड़ताल के बाद फेडरेशन भी IFTDA की बात से सहमत था। जी हां, अब दोस्तों फेडरेशन का कहना है कि इस जांच के दौरान साजिद ने अच्छे से कॉपरेट किया था। ये तो वही बात हो गई कि किसी को चाकू से मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो। इतना ही नहीं, साजिद ने पॉश कमेटी के फैसले को भी एक्सेप्ट किया था। बैन के समय सबको उनका व्यवहार ठीक लगा था, जिसे देखते हुए वाइस ने 14 मार्च 2019 को साजिद खान पर लगे हुए बैन को हटा दिया था। अब बैन हटा दिया था या हटवाया गया था ये दोस्तों हमको नहीं मालूम, परंतु यह बैन हटा दिया था। अब साजिद खान बिग बॉस में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए। वाइस ने अनुराग ठाकुर को लिखा लेटर। वाइस ने कहा कि साजिद पॉश कमेटी की टफ ट्रायल से गुजरे हैं। उन्हें सोशल मीडिया और अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमिलेट किया गया है, जिस व्यक्ति ने अपनी सजा पूरी की है और IFTDA के फैसले का सम्मान किया वह दोबारा उसी आरोप के लिए सजा भुगते, ऐसा वाइस करने की कोशिश भी नहीं कर सकती। लेटर में फेडरेशन की तरफ से कहा गया कि फिल्म मेकर को बिग बॉस में रहने दिया जाए और उन पर कोई भी कार्रवाई